हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और नोटिफिकेशन आउट होने के बाद हमने अभी एक दो दिन पहले SBI PO की न्यू जॉइनिंग की सैलरी स्लिप आप सभी के साथ शेयर की थी। तो वो तो सिर्फ सैलरी थी, SBI में काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं अगर हम IBPS से कंपेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ SBI PO न्यू जॉइनिंग को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो शेयर करूंगी। SBI में अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने गैदर करके बहुत सारे अलाउंसेस पता किए कि क्या क्या एक्यूरेटली क्या मिलते हैं SBI में अलाउंसेस। तो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली तीनों में अलग अलग कुछ कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। साथ में जो लीज अकोमोडेशन होता है वो भी SBI में मिलता है। उसके अलावा कुछ अलाउंसेस 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में ऐसे भी मिलते हैं। तो हम वन बाय वन सारे अलाउंसेस देखेंगे और उसके बाद टोटल मंथली इन हैंड अलाउंसेस प्लस सैलरी कितनी आती है एक SBI PO न्यू जॉइनी को वो भी देखेंगे और एट दी एंड एनुअल पे कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, वो है लीज्ड अकोमोडेशन। SBI PO को लीज्ड अकोमोडेशन सिटी वाइज मिलता है, एरिया वाइज। तो बहुत सारे एरियाज में इनका जो लीज है वो डिवाइडेड है। तो सबसे कम से रूरल से हम स्टार्ट करते हैं। जो सी कैटेगरी की सिटीज हैं वहां पर 9,000 रुपीज मिलता है, बी में 11,000, ए में 17,500। उसके बाद एक मेजर ए होता है वहां पर 23,000। उसके बाद न्यू दिल्ली का अलग से दिया हुआ है 30,500 और मुंबई में भी दो टाइप से डिवाइडेड है। अगर मुंबई में सिटी में पोस्टिंग है तो 34,000 और सब अर्बन में पोस्टेड है तो 32,500। तो इस तरीके से यहाँ पर SBI में आपको लीज मिलती है जो IBPS के आप जितने भी बैंक देखेंगे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब आते हैं हम मंथली अलाउंसेस पे। तो मंथली इनका 5-in-1 करके होता है, इनको 5 अलग अलग टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेट्रोल। पेट्रोल ये हम रूरल एरिया की सैलरी स्लिप हमने देखी थी, तो मैं जितने भी अलाउंसेस आपको बताऊंगी वो रूरल एरियाज के होंगे, मतलब जो रूरल मतलब सबसे कम। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम ही अगर इतने ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा कितने ज़्यादा होंगे। तो पेट्रोल 55 लीटर मिलता है अगर आपके पास 4 व्हीलर है और 45 लीटर मिलता है अगर आपके पास 2 व्हीलर है। और अगर आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है आपके नाम पर रजिस्टर्ड तो आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है जो 1,250 रुपीज़ होता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर आपने न्यूली बैंक ज्वाइन किया है तो आपके पास 2 व्हीलर अपने नाम की हो सकती है। तो आपको अगर 110 अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 4,950 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद दूसरा होता है मोबाइल एंड लैंडलाइन, इसके लिए मंथली आपको 1,300 रुपीज़ मिलते हैं। तीसरा है न्यूज़पेपर और मैगजीन, इसके लिए आपको 750 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। उसके बाद एक क्लीनिंग है जिसके लिए 1,100 पर मंथ मिलता है और एक लेबर का मिलता है जो जनरली IBPS PO के जो बैंक्स होते हैं उनकी उसमें मैंने देखा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, SBI में मिलता है लेबर का 900 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर हम इन सभी को जोड़े, सिर्फ ये तो सिर्फ मंथली की बात चल रही है अभी, तो सिर्फ मंथली को भी अगर हम जोड़ेंगे ना तो रूरल के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट ये बनेंगे 17,000 रुपीज़। और जो सैलरी हमने देखी थी इन हैंड न्यू जॉइनिंग की वो अराउंड 55,000 थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो सैलरी भी आपके अकाउंट में आएगी और ये सारा भी आपके अकाउंट में ही आएगा, अगर आप लीज को छोड़ दें तो शायद ओनर के अकाउंट में भी जा सकती है, तो फिर भी वो एट दी एंड आपका ही है जो भी है। तो अराउंड 72,000 एक न्यू जॉइनी की सैलरी बनती है, सैलरी मतलब जो उसके अकाउंट में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी इनकम है क्योंकि आपकी अगर फर्स्ट सैलरी इतनी अच्छी है तो फिर बाद में तो काफ़ी अच्छा ही होगा, लेकिन ये सैलरी सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है, इसको पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि SBI PO का एग्ज़ाम अपने आप में एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। और साथ ही में उसमें अभी जो अपडेशन हुआ है कि जनरल अवेयरनेस का जो मेंस में वेटेज बढ़ा दिया और रीजनिंग और क्वांट का कम कर दिया, तो जनरल अवेयरनेस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस करना पड़ेगा। तो जनरल अवेयरनेस पे फोकस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेली क्विज लगानी ही लगानी है। डेली क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली अगर आप कहीं से भी करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको क्विज लगा के उनको रिविजन तो करना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, मैंने अपने टाइम पे अड्डा 247 से की थी प्रिपरेशन और उनकी जो डेली क्विज है वो काफ़ी अच्छी थी। अलग अलग सेक्शनल क्विजेस भी होती है,
तो अड्डा 247 का ऐप आप देख सकते हैं। देखिए इसमें डेली क्विजेस होती है, हर सब्जेक्ट की होती है। तो जैसे अगर आपको बैंकिंग की अभी SBI के लिए देना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं से करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को अगर आप करेंगे तो एक करंट अफेयर्स की यहाँ पर डेली के जो भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। और जो क्विज है वो काफ़ी अच्छे लेवल की होती है और जितना भी रिसेंट में चल रहा है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। आप इंग्लिश में और हिंदी में भी दे सकते हो। इसका जो ऐप है वो अराउंड 10 languages में अवेलेबल है, तो आप 10 languages में इसमें पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश या हिंदी आना ही ज़रूरी है। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा क्विज है और उसके साथ साथ ये 24/7 आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल भी है जिसमें फ्री में मटीरियल अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ फ्री में अवेलेबल है। मैंने भी अपने टाइम पर काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ देखे थे। साथ में आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जॉब अलर्ट्स भी आते हैं, उनके बाद इसमें स्टडी मटेरियल्स भी है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस हैं, फ्री PDF है, पावर कैप्सूल है, नोट्स एंड आर्टिकल्स है। और उसके साथ ही SBI PO की अभी न्यू बैच भी स्टार्ट हुई है अड्डा में, वो पेड बैच है। अगर आप चाहें तो पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में भी काफ़ी सारा मटीरियल है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पेड बैच नहीं भी लेनी है तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, सिर्फ बैंकिंग की ही नहीं, अभी SSC CGL का नोटिफिकेशन आया तो उसकी भी आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और अब हम आगे चलेगा क्वार्टरली अलाउंसेस पे। तो क्वार्टरली एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 12,500 rupees। ये 12,500 ईयरली मिलता है, लेकिन इसको आप क्वार्टरली क्लेम कर सकते हैं डिवाइड करके। उसके बाद ईयरली अलाउंसेस में भी बहुत सारी चीज़ें। पहला होता है फर्नीचर अलाउंस, ये 1.2 lakh मिलता है एक्सक्लूडिंग GST, मतलब इसमें GST भी आप ऐड कर दीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये 10 years में आप इसको फिर से ले सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप 3 years में भी ले सकते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको मैं बाद में अगर मिलेगा तो बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्नीचर अलाउंसेस में, आप क्या क्या ले सकते हैं। उसके बाद एक यूटिलिटी आइटम्स करके होता है, वो 4,500 आपको पर NM मिलता है। फिर एक होता है पेस्ट कंट्रोल, SBI में पेस्ट कंट्रोल के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं 1,100 rupees पर NM। उसके बाद मोबाइल फोन खरीदने के लिए आपको 10,000 rupees प्लस GST मिलता है एवरी 3 years में। फिर एक फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस होता है, ये जब भी आप फर्नीचर अलाउंस लेंगे उसके बाद से मिलने लगता है, ये 11,000 rupees आप पर NM लेंगे। उसके बाद एक स्पेक्टिकल्स का भी SBI में मिलता है 6,000 rupees, ये 3 साल में एक बार मिलता है, 6,000 प्लस GST इसमें एक्सक्लूडेड है। उसके बाद एक ब्रीफ केस का भी मिलता है 4,000 rupees, ये 3 या 4 साल में मिलता है। ये एग्जैक्टली ये वाली चीज़ अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 1 साल में हर बार नहीं मिलता, मतलब ये पर NM वाला अलाउंस नहीं है, ये आपको 3 या 4 साल में एक बार मिलता है। तो जब इन सारे अलाउंसेस को और सैलरी को हम देखेंगे तो एनुअल पे हम जब इसकी कैलकुलेट करेंगे तो नेट पे थी 55,550, उसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगी 6,66,600 rupees। ये तो सिर्फ नेट सैलरी है। उसके बाद एक PF का भी SBI में होता है, तो PF एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 8,392 मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होगा PF का दोनों की तरफ से। इसको जब हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 1,704 rupees। उसके बाद एक NPS था, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है, वो एम्प्लॉयर 14% देता है और एम्प्लॉय 10%, तो उनका जब हम मंथली देखेंगे तो 13,743 होता है। जब उसे हम इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 1,64,926 rupees। अब जो हमने सारे अलाउंसेस देखे थे, इतने सारे टोटल अलाउंसेस, तो जब हम इन्हें मंथली देखें, मंथली अलाउंसेस अराउंड 9,000 थे, इसमें मैंने लीज हटा दी अभी, तो जब हम इनको इंटू 12 करेंगे तो ये होगा 1,08,000। और जो बाकी सारे अलाउंसेस थे मंथली के अलावा, वो अप्रोक्सीमेट बनते हैं 37,000 पर NM। तो जो एनुअल इनकम होगी एक न्यूली ज्वाइंट SBI PO की, वो होगी 10,77,230 rupees। ये विदाउट लीज है, क्योंकि इसमें मैंने लीज इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम इसमें लीज भी इंक्लूड कर दें, लीज इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में तो क्वार्टर्स होते नहीं है, तो वहाँ तो लीज ही मिलेगी।
तो गंडीज को ये रूरल एरिया की पूरा बता रही हूँ मैं, मेट्रो में तो आप देख सकते हैं आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये इंक्रीज कर सकते हैं। तो एनुअल इनकम विथ लीज बनेगी 11,49,230 रुपीज, अप्रॉक्सीमेट 11.5 लाख, जो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है अगर आप एक न्यूली ज्वाइंड SBI PO हैं। अगर आप IBPS PO में देखेंगे तो अराउंड 2 लाख यहाँ पर आप कम कर दीजिए, उनकी अराउंड 10 लाख CTC बनती है, लेकिन SBI PO की 11.5 लाख है, तो ये काफ़ी अच्छी इनकम है। तो अब बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको जनरल अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और भी अगर SBI की सैलरी से रिलेटेड, SBI में Scale 2, Scale 3 की कितनी सैलरी होती है, ये वीडियोज़ भी हम लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।